हेलो माय टू फैमिली, वेलकम करते हैं आप सभी का स्टार गेमर्स पे। तो चलो पहले बात करते हैं आज के टू नाइट अपडेट के बारे में। गाइस, आज सुबह के 4 बजे के बाद जैसे ही आप गेम ओपन करोगे तो आपको कोई भी न्यू बैनर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कल का कोई अपडेट नहीं है, कल कोई न्यू इवेंट वगैरह नहीं आने वाला। बट हाँ, कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स हैं, तो चलो फिर बात करते हैं एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में। दो अपडेट है। पहला तो एक होली इवेंट का अपडेट है, होली का एक न्यू इवेंट सेक्शन आने वाला है, और दूसरा है कोबरा MP40 का अपडेट। जी हाँ, फाइनली कोबरा MP40 रिटर्न आने वाला है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो पहले बात करते हैं होली के न्यू इवेंट के बारे में। गाइस, होली का एक न्यू इवेंट सेक्शन आने वाला है और उस इवेंट का बैनर भी मिल चुका है। ये देखो, ये जो बैनर है, ये बैनर आपको देखने को मिलेगा 19 मार्च को, और इस इवेंट का नाम होगा कलर अप योर प्रोफाइल। और ये शायद एक छोटा सा इवेंट सेक्शन होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा एक इवेंट सेक्शन आएगा जहां पर मिशन वगैरह कुछ कंप्लीट करना होगा, जो है डैमेज देना, डील डैमेज टू विन, मतलब आपको कुछ डैमेज देना है। इसका मिशन ये डैमेज देना, और उसके बाद में आपको ये जो सारे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। और पहला रिवॉर्ड है होली पिचकारी, जो एक बैट का स्किन है। ये बैट का स्किन मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में इस इवेंट सेक्शन के अंदर से, जो काफी अच्छा लग रहा है। बैट का स्किन है होली के पिचकारी के थीम पे, होली के थीम पे बहुत सही स्किन है। और उसके बाद में ये जो अवतार है, ये अवतार भी मिलेगा बिल्कुल फ्री में। और ये जो P90 के स्किन का क्रेट है, ये P90 का स्किन भी मिलेगा, और ये गोल्ड रॉयल का वाउचर भी मिलेगा। बस यही चारों रिवॉर्ड्स हैं जो इस इवेंट सेक्शन के अंदर से बिल्कुल फ्री मिलने वाले। और ये इवेंट आने वाला है 19 मार्च को, 19 से लेकर 21 मार्च तक इवेंट चलेगा। ठीक है, तो चलो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, नेक्स्ट अपडेट है इवो वोनंजा इवेंट का अपडेट। आपको याद होगा कल मैंने बताया था इस इवेंट के बारे में, इवो वोनंजा इवेंट 19 तारीख को आने वाला है, 19 मार्च को। और इस इवेंट के अंदर बहुत सारे इवो गन के स्किन जो है वो रिटर्न आएंगे, बट इसके अंदर कोबरा MP40 रिटर्न आएगा या नहीं आएगा ये कल कंफर्म नहीं पता चला था। बट गाइस, आज बिल्कुल 100% कंफर्म हो चुका है कि जो कोबरा MP40 है वो भी इस इवो वोनंजा इवेंट के अंदर आने वाला है। जी हाँ गाइस, क्योंकि ये देखो, ये बैनर है इसी इवो वोनंजा इवेंट का, जो 19 तारीख को आने वाला है। और इस बैनर में देखो, यहाँ पर बहुत सारे इवो गन के स्किन्स हैं, जिसमें से एक कोबरा MP40 भी है। तो इससे बिल्कुल 100% कंफर्म हो चुका है कि कोबरा MP40 रिटर्न आने वाला है इस इवो वोनंजा इवेंट के अंदर। लेकिन 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 गाइस, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। कोबरा MP40 तो रिटर्न आएगा, बट सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए जिनके पास कोबरा MP40 ऑलरेडी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गाइस, ये जो इवो वोनंजा इवेंट है ना, इसके अंदर आएंगे तो सारे इवो गन के स्किन्स, बट इस इवेंट के अंदर से आप किसी भी गन के स्किन को निकाल नहीं सकते। यहाँ से बस आप अपने इवो गन को जो आपके पास ऑलरेडी है उसको अपग्रेड कर सकते हो, उसका लेवल बढ़ा सकते हो या मैक्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, भी बहुत सस्ते में, कम डायमंड में आपका अपग्रेड हो जाएगा इवो गन। बट इस इवेंट के अंदर से आप किसी इवो गन के स्किन को निकाल नहीं सकते। जी हाँ गाइस, ऐसे होने वाला है, बट टेंशन मत लो, कोबरा MP40 बहुत जल्द रिटर्न आ जाएगा। बहुत सारे इवो गन रिटर्न आते रहते हैं, बस कोबरा MP40 जो है थोड़ा स्पेशल स्किन है ना, इसलिए कभी कभार आता है, बहुत दिनों के बाद रिटर्न आता है। बट टेंशन मत लो, आ जाएगा बहुत जल्द। बाकी इवो वोनंजा इवेंट तो आने वाला है 19 मार्च को, उसके अंदर से आप अपग्रेड कर सकते हो अपने इवो गन को। आपके पास अगर कोई इवो गन का स्किन है उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो इससे कर लेना, यहाँ से बहुत सस्ते में अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, और तो बाकी चलो गाइस, और कोई अपडेट नहीं है, बस इतने अपडेट्स थे आज। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत गाइस।